काफ़ी फेमस भी है। एंड अगर आज के करेक्शंस में देखा जाए तो पहले वॉरेन बफेट के कोट्स लोग सेंड करते थे, आज लोग विजय केडिया के सॉन्ग्स व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करते हैं। सो विजय भाई, जब 3 साल पहले अपन मैं यही सही फायर सेट चैट कर रहा था आपसे, एंड वो जो वीडियो था वो यूट्यूब पे अपन ने अपलोड किया था, आपकी वजह से मैं भी काफ़ी फेमस हो गया उसमें, तो किंजल को जेलस फीलिंग हो गई, तो देखो आज बैठ गई आपके साथ। सो स्टार्टिंग अबाउट द कोविड, विजय भाई की कोविड सिचुएशन में सबके खराब हाल थे, बिजनेस बंद, सब घर पे बैठे हुए थे, मार्केट डाउन जा रहा था, आपकी क्या सिचुएशन थी कोविड के टाइम? सही बात है, कोविड के टाइम जो शुरू हुआ और जो 23 मार्च को मेरे ख्याल से जो लॉकडाउन जो लगा, तो वो कभी जिंदगी में कभी देखा नहीं था और शायद सुना भी नहीं था। तो वो 2-3 दिन या 4 दिन या 5 दिन हो सकता कि हालत बहुत खराब थी और रात को नींद नहीं आती थी। अच्छा। कैसे लगता था सब कुछ खत्म हो गया, ये बात है। लेकिन वो रहा, वो सिलसिला 3-4-5 दिन रहा, उसके बाद में फिर गीता ज्ञान याद आने लग गया आपको, क्योंकि ऐसे गीता याद नहीं आती है, तकलीफ के टाइम में गीता याद आती है, तो सब याद आने लग गया, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, क्या तेरा है, जवाब तेरा है, वह कल किसी और का था, जो कल किसी और का होगा वह तेरा होगा, तो वाकई में वो गीता ज्ञान आने लग गया था। तो इस बोलकर फिर 3-4 दिन बाद में फिर ये समझ में आ गया कि ठीक है, जो बचा है वही बहुत है जीने के लिए, और बाकी क्या है, तो वो स्पिरिचुअलिज्म वाला थोड़ा सा दिमाग में आने लग गया था। आपने अभी बुल मार्केट पे एक सॉन्ग लिखा है, सॉरी बेयर मार्केट पे, कुछ दिनों पहले शायद ये मार्केट सिनेरियो देख के आपने बेयर मार्केट पे आपने एक सॉन्ग बनाया है, तो अभी बुल मार्केट पे कब बनाएंगे? नहीं, बुल मार्केट तो क्या, बेयर मार्केट जब खत्म हुआ तो बुल मार्केट चालू हो गया, उसी सॉन्ग के अंदर में बेयर मार्केट वाली लाइन है उसके अंदर में कि वो, अगर आप बोल सको तो प्लीज। हाँ, तो वो बेयर मार्केट ये बोलता है कि जैसे बोलता है मैं बेयर बदनाम, मैं चला मैं चला मैं चला, तो उसके अंदर में कि ये लाइन है कि मुझसे क्या घबराना, मैं भी भूल रहा हूँ कि वो ये बोलना चाहता है बेयर मार्केट कि मुझसे क्या घबराना, देता हूँ लेने का तुमको एक बहाना, मेरे ही कारण मिलते शेयर सस्ते दाम, फिर भी मैं चला मैं बेयर बदनाम, तो ऐसा कुछ बोलना चाहता है कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, और ये इतिहास भी ये बात बताता है, डेटा ये बताता है कि लोगों ने जो वेल्थ कमाई है वो बेयर मार्केट को फ्रेंड बना के कमाई है। जिस आदमी ने बेयर मार्केट में पैसा लगाया है वही आदमी वेल्थ क्रिएट किया है ये शेयर बाजार के अंदर में। अब मेरे भी शामिल 2019 का जो भी 2020 का जो कोविड वाला टाइम था, जो मेरे को 3-4 दिन जो नींद नहीं आई, बाद में गीता याद आ गई उसके अंदर में, तो उसके बाद में फिर जो भी शेयर लिए गए, फिर जून जुलाई में जो शेयर लिए वो 2021 तक 10 गुना 15 गुना 5 गुना वो सारे शेयर हुए। वो तो वो वेल्थ जो क्रिएट होती है वो बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से होती है, बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई आदमी पैसा नहीं कमाता है। मैंने एक एनालॉजी लिखी है शेयर बाजार की कि जो बुल मार्केट होता है वो कमज़ोर इन्वेस्टर पैदा करता है, और जो कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं वो बेयर मार्केट पैदा करते हैं, और जो बेयर मार्केट होता है वो मजबूत इन्वेस्टर पैदा करता है, और जो मजबूत इन्वेस्टर होते हैं वो बुल मार्केट पैदा करते हैं, ये साइकिल पूरा चलता है शेयर बाजार के अंदर में। तो ये तो एक एक दिन और रात है। विजय भाई, एज वी ऑल नो दैट जुलाई इज अ सीजन ऑफ सेल, नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर एशिया, और मार्केट अभी 18-19% से डाउन है, और सारे स्टॉक्स 30-40% से डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो लोग ये सेल से क्यों डरते हैं? इससे डर रहे हैं, ये मार्केट में जो सेल हो रहा है इससे लोग क्यों भाग रहे हैं, परचेज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कि वो हिस्ट्री से कुछ सीखते नहीं है, हम लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप देखिए मार्केट में जब जब देखिए, ये पूरा जीवन चक्र है, जो मार्केट यूफोरिक होगा ना वो उस मार्केट में क्राइसिस आएगी, और जिस मार्केट में क्राइसिस आएगी वो मार्केट वापस यूफोरिक होने वाला है। अभी तक का जो डेटा है वो तो ये बताता है, जब से मैं शेयर बाजार में हूँ तब तक साफ समझिए यही डेटा बताता है। लेकिन क्या होता है, वो नए लोग नई जमात आती है, वो उन्होंने दिखावा नहीं रहता है, पढ़ के कोई सीखना नहीं चाहता है, और बिना मरे स्वर्ग भी आपको नहीं मिलता है, तो सब आदमी अनुभव करके ही सीखना चाहते हैं, तो लोग ये बात को भूल जाते हैं। इस बोलकर वो ऐसा होता है कि उस समय किसी को लेने का नहीं है जब वो गाड़ी चलती हुई गाड़ी में सबको चढ़ने का। विजय भाई, आपको कब पता चला कि ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर यू? ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, मेरे को पता चला 10 साल मशक्कत करने के बाद में। 10 साल तक मैं ट्रेडिंग में ही जूझता रहा और उसी के अंदर में गिरता रहा और डूबता रहा उसके अंदर में,
10 साल बाद मेरे को समझ में आया कि शायद मैं ये कटआउट मेरे लिए नहीं है, ये मेरे को कहीं पहुंचा नहीं पाएगा, शायद मेरे लिए नहीं है ये। तो 10 साल तक उसमें स्ट्रगल भी लगा, लेकिन उसके बाद भी जब जिस दिन एहसास हुआ उसके बाद भी ट्रेडिंग को पूरा छोड़ने के लिए, आज भी पूरा नहीं छोड़ पाया हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्दर 10 साल मेरे को लगे। तो ऐसा नहीं कि जिस दिन आपको ज्ञान हो गया उसी दिन मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको वो प्रैक्टिस करने में भी मेरे को और 10 साल लग गए मेरे को। तो आपका कितना परसेंटेज ओवरऑल पोर्टफोलियो का ट्रेडिंग में रहेगा? नहीं नहीं, 0% है अभी तो, अभी कुछ ना, ना ना ट्रेडिंग का मेरा कोई परसेंटेज ही नहीं, मेरा सारा सब लॉन्ग टर्म, सब लॉन्ग टर्म। विजय भाई, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो स्माइलिंग पर्सनैलिटी है, और आपका इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला भी कुछ स्माइल है, तो आप कुछ बता सकोगे कि वो स्माइल इन्वेस्टिंग फार्मूला क्या है? स्माइल का फार्मूला है कि जैसे मैं स्मॉल कैप में और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने मेरे लिए जो फार्मूला मेरे लिए जो मेरे लिए ठीक रहा वो एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल इन साइज, क्योंकि मैं छोटी कंपनियाँ पकड़ता हूँ, और एम स्टैंड्स फॉर मीडियम इन एक्सपीरियंस, कि मैं ऐसे मैनेजमेंट को पकड़ता हूँ कि जिस मैनेजमेंट को कम से कम 15-20 साल का शेयर बाजार अपनी कंपनी में 15-20 साल का अनुभव है, और 15-20 साल मतलब मीडियम इन एक्सपीरियंस, वो इसके लिए कि 15-20 साल में उसने 3-4 बड़े बड़े साइकिल उतार चढ़ाव के देख लिए होंगे, तो मैनेजमेंट स्मार्ट हो गया होगा। और फिर भी मीडियम इन एक्सपीरियंस माने अगर समझिए वो आदमी 40 साल से उस इंडस्ट्री के अंदर में है, और आज के दिन भी वो स्मॉल कैप है, तो मैं वैसे शेयर्स नहीं लूंगा। इसका मतलब शायद उसके DNA में नहीं है, उसके प्रोडक्ट में नहीं है वो चीज़। तो ये हो गया मीडियम इन एक्सपीरियंस। और दूसरा लार्ज इन एस्पिरेशन। लार्ज इन एस्पिरेशन मतलब जो मैनेजमेंट है, जनरली ये देखा गया है कि 100-200-300-500 करोड़ की कंपनी है, वो एक लेवल पे आने के बाद में उनका एपेटाइट खत्म हो जाता है, उनके फायर इन द बेली खत्म हो जाती है, उनको ऐसे लगना पड़ेगा बहुत ही गए यार, हम तो अपने पूरा मैदान मार लिया, पूरा जीत लिया मैंने, तो अभी क्या मर्सिडीज आ गई, ये आ गया, क्लब मेंबरशिप आ गया, और 2-4 घर हो गए, अभी पैसा क्या कमानेगा, अभी अपने को बच्चे भी बोल रहे थे बाबू शू करवाना छे, अभी चलो तुम्हें मजा करो अभी। तो वो एस्पिरेशन जब खत्म होता है, लार्ज इन एस्पिरेशन, वो एस्पिरेशन खत्म हो जाता है, इसका मतलब अगर वो मैनेजमेंट बिलियनर नहीं बनेगा तो हम शेयर होल्डर मिलियनर नहीं बनेंगे वो शेयर्स के अंदर में, तो उसका वो एस्पिरेशन बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं जो समझता हूँ वो है ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, कि उसकी मार्केट पोटेंशियल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 500 करोड़ कंपनी को नापने के लिए 5,000 करोड़ रुपये आगे होना चाहिए, 5,000 करोड़ का की पोटेंशियलिटी आगे होनी चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कभी भी पॉन्ड के क्रोकोडाइल में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं समंदर की मछली में इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके लिए नापने के लिए पूरा समंदर बचा हुआ है। विजय भाई, कोविड के बाद ये 2 साल में बहुत सारे नए लोग आए मार्केट में, तो इनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, उनके लिए मैसेज तो ये है कि अगर सारे काम अगर आप अपनी गलतियों से सीखने वाले हो तो आपकी एक जिंदगी बहुत कम पड़ने वाली है। तो सबसे होशियार आदमी तो ये होता है कि जो दूसरों की गलतियों से सीखे साथ साथ, और अपनी गलती के अलावा दूसरों की गलतियों से सीखे। और शेयर बाजार पे एक समझना चाहिए यहाँ पे कि ये इट्स ए रिस्की बिजनेस, यहाँ पर मार्केट विल रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन, इफ यू विल ट्रीट इट एज ए गैम्बलिंग देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू। तो ये जुए का अड्डा नहीं है, ये मार्केट जो है ये एक रिस्की बिजनेस है, फास्ट बिजनेस है। तो इसको बिजनेस किस तरह से जिस दिन आप लेने लग जाओगे उस दिन आपका नजरिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का चेंज हो जाएगा। तो सबसे ये है कि रातों रात करोड़पति बनने का यहाँ पर चेष्टा मत करो। मेरा एक कोट है, याद रखना चाहिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वेर डिस्ट्रॉयड इन ए डे, तो वो शेयर बाजार में देखने के लिए मिलता है। सो वी विल हैव Q&A बिफोर आई आस्क वन क्वेश्चन। विजय भाई, अभी स्टार्टअप्स का काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, और हम लोग ने भी फर्स्ट टाइम ही कुछ स्टार्टअप का एक डिस्कशन यहाँ पे रखा। इंडिया में कुछ 50,000 स्टार्टअप्स काफ़ी अभी न्यू फॉर्म हुए हैं, 100 यूनिकॉर्न्स वी हैव अचीव्ड एंड वी आर द 3rd लार्जेस्ट इन द ग्लोब। आप भी स्टार्टअप्स पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक तो आप क्या देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वॉट इज़ योर मैसेज फॉर द इन्वेस्टर्स कि उन्होंने क्या देखना चाहिए अगर स्टार्टअप्स में अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो? नहीं, स्टार्टअप के लिए अगर मेरे को सलाह देनी होगी तो मैं बोलूँगा अभी जो उन्होंने प्रेजेंटेशन शाह जी ने पुनीत जी ने दिया था वो उनकी बात सुनना चाहिए। मैं तो उसमें बच्चा हूँ, मैंने तो उसमें अभी किया, मैंने 14-15 इन्वेस्टमेंट की है मैंने, और लेकिन मैं उसमें मोटा मोटी मैं वही देखता हूँ जो मैं सेकेंडरी मार्केट में देखता हूँ। उसमें मैं ये देखता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज पोटेंशियल, जो स्माइल का ई जो है कि उसके पास नापने के लिए समंदर है कि नहीं, तो वो देखना पड़ता है उसके अंदर में, और वो क्या चीज़ डिसरप्ट कर रहा है। जो 2-4 डायलॉग मैं इन्हीं लोगों से सीखा हूँ,
आपके यहाँ भाई वो डिस्टर्ब क्या कर रहा है, वो नया चीज क्या कर रहा है वो जो है, और ऑफकोर्स उसमें भी वो प्रोमोटर है या जो टीम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैनेजमेंट वो विद्या बालन बोलती है जिंदगी में तीन चीज बहुत जरूरी है, एंटरटेनमेंट। मैं बोलता हूँ शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए तीन चीज जरूरी है, मैनेजमेंट। तो भरत भाई जस्ट सेड अबाउट दैट मैनेजमेंट। हाँ राइट, तो इसीलिए उसमें भी फॉर्मूला वही लागू होता है जो इसमें लागू है। So we can have questions from the audience, please. Yeah, this side. नमस्कार विजय जी। नमस्कार सर। सर आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अभी ज़्यादातर इन्वेस्टरों ने अभी 2-3 साल पहले ही पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया है इंडिया के अंदर, और उन्होंने जिसने भी 2-3 साल पहले चालू किया है उन्होंने अपनी करीबन 40-50% मुड़ी साफ कर दी है, तो अब इस कंडीशन में क्या उसको मार्केट में पैसा और लगा के एवरेज करना चाहिए या शांति से बैठ जाना चाहिए, आपकी क्या राय है? और म्यूचुअल फंड के बारे में भी प्लीज थोड़ा सा बताएं कि डायरेक्ट इक्विटी में करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए प्लीज। सर मेरी लिमिटेड बुद्धि से मेरे को यह समझ में आता है, और मैंने कई बार ये टीवी पर यह बात बोला है कि अगर मैं कहीं सेबी का प्रेसिडेंट या जो भी चीफ अगर बन गया तो मैं किसी भी आदमी को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने नहीं दूंगा शेयर बाजार के अंदर में। क्या बात है, जो नए इन्वेस्टर आते हैं बढ़ जाएंगे फिर। हाँ जी, हमारे बिजनेस बढ़ जाएंगे। हाँ, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा उसके पहले। तो मेरा ये मानना ऐसा है सर, मैं कोई भी इन्वेस्टर को जो नए इन्वेस्टर है विदाउट क्वालिफिकेशन है, विदाउट कोई कोर्स किया है या विदाउट उनका फाइनेंशियल पैरामीटर जाने के बिना, मैं ये तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं उनको इन्वेस्टमेंट नहीं कर दूंगा शेयर बाजार के अंदर में। यहाँ पर सक्सेस रेट आपको मालूम होना चाहिए, आपने खुद बोला है कि 40-50% मुड़ी साफ हो गई, आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आप समझने की चेष्टा कीजिए। आप उसके बाद भी आप बोल रहे हैं मैं एवरेज करूंगा, इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं सर। नए आदमी के लिए समझना मुश्किल है, हम लोगों ने पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजार दी है, और जब तक वो सॉल्यूशन आंसर जानते हैं तब तक वो बोलते ना जिंदगी क्वेश्चन पेपर चेंज कर देती है, वही शेयर बाजार है सर। यहाँ पर रोज नए नए आयाम पैदा होते हैं, यहाँ पे आप इनको समझ नहीं सकते हो इनके। और इसके लिए ये जो मैं यहाँ पर समझाऊं सर, यहाँ पर सक्सेस के लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने इम्पोर्टेंट है, मेरा एक कोट है सर, नो एकेडमिक डिग्री कैन गेट यू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से है अनुभव, एक्सपीरियंस। और जब तक आप यहाँ पर गिरेंगे नहीं, जब तक आपने बेयर मार्केट नहीं देखा है, जब तक आपने रातों की नींद नहीं खोई है, तब तक आप यहाँ पर सफल नहीं हो सकते हो। ये ब्रह्म वाक्य है मेरे ख्याल से, जहाँ जो मैं समझता हूँ ये लिखा हुआ है, आप कभी भी इसको आप टेस्ट कीजिएगा इन चीज़ों को। तो नया आदमी जो आता है ना सर, आप सपने देखकर शेयर बाजार में मत आइए, कि आपको लगता है कि मैं आऊँगा तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, अरे मैं अरबपति बन जाऊँगा करोड़पति बन जाऊँगा, इसको जीत लूंगा उसको जीत लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब। ये राज कपूर की पिक्चर नहीं है श्री 420 की, 100 रुपये में आपको घर दे देंगे आपको यार। तो ये इस बोलकर मेरी ये राय है कि हर अंदर नया आदमी को अपनी शुरुआत करनी चाहिए सर म्यूचुअल फंड से, और म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए, और फिर आप अपने आप को तोलते रहिए। पहले मॉक ट्रेडिंग कीजिए या मॉक इन्वेस्टमेंट कीजिए या अपना ज्ञान बढ़ाइए, 3-4 साल 5 साल आप लगाइए शेयर बाजार के अंदर में, उसके बाद में फिर आस्ते आस्ते आप उसको वो करने की चेष्टा कीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा कीजिए, पहला बात। दूसरी आपका बात का जवाब, इसका उत्तर मेरे पास पे नहीं है सर कि एवरेज करना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो हम 5000 स्क्रिप्ट की बात करते हैं। मेरा एक कोट है सर कि देर इज लार्ज कैप, देर इज मिड कैप, देर इज स्मॉल कैप, देर इज अनदर कैप विच इज कॉल्ड भंगार कैप। तो भंगार कैप के अंदर में जो 5000 शेयर जो लिस्टेड है या 6000 जो लिस्टेड है, उसमें से 90% शेयर भंगार कैप है साहब। अगर 5000 लिस्टेड है तो 4000 शेयर भंगार कैप है, और जो नए आदमी आते हैं वो उन्हें भंगार कैप में इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे को 5 रुपये वाला शेयर बता, 50 रुपये वाला शेयर बता, वो चोर मैनेजमेंट के पास ही जाएंगे, उनको मालूम नहीं, वही अट्रैक्ट करता है उनको कि शायद इसी में मेरा तोड़फोड़ हो जाएगा, इसी के अंदर मैं अरबपति बन जाऊंगा। तो यहाँ इतने सारे मिथ है साहब शेयर बाजार के अंदर में, तो इस बोल का मेरे लिए बोलना मुश्किल है। तो मैं बोलना ये चाहता था कि वो स्क्रिप्ट आपके पास कौन सी है, आपको एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसका मेरे को एक जेनेरिक उत्तर नहीं है कि नहीं आप अभी आप एवरेज कर लीजिए, मालूम नहीं आपके पास में कौन सा शेयर्स है। तो वो शेयर टू शेयर डिपेंड करता है,
एक थंब रूल ऐसा है कि जो भी मार्केट अगर ऊपर से 50-60% घट गया, जो चाहे इंडेक्स चाहे 15% ही घटा हो, मिड कैप 60-60% 50% 70% तक गिर चुके हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि उसकी अर्निंग कम नहीं आएगी, उसकी अर्निंग की ग्रोथ ज़्यादा है, अर्निंग बढ़ के आएगी, खाली उसका वैल्यू एडजस्ट हुई है, उसका जो हाई पी था या जो यूफोरिया था वो एडजस्ट हुआ है, वैसा शेयर अच्छा करना चाहिए। ये थंब रूल है सर, लेकिन ये बड़ा वेग आंसर है इसका, तो ये स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट डिपेंड करता है, बेटर आप किसी कंसल्टेंट की सलाह लें सर। थैंक यू। बड़ा या माइक प्लीज। हेलो विजय सर। सर माय नेम इज मेहुल चौकसी, नॉट फ्रॉम गीतांजलि। नहीं सर, वो तो फिर लंदन में मिलते हैं फिर आप। सर मेरा क्वेश्चन है सर, रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू में टीवी मीडिया पे बोला था कि बियर मार्केट इज गेटिंग कॉम्प्रेस एंड बुल मार्केट बड़ा होता जाता है, यानी बिगर बनता जाता है, तो उस पर आप थोड़ा कुछ फ्रूटफुल डिटेल्स दे सके तो। सर मेरे को ऐसा लगा, और देखिए मैं पर्सनली, ये मेरा जो भी है, जो सामने देखा है उससे जो समझ में आया वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग को ही मालूम है, हम कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जैसे शंकर भाई जी हैं, भरत सर हैं, आप लोग को भी अच्छी तरह मालूम है। तो मैंने जो ये समझ में आया है कि बैठिए सर, आप 2003 के पहले शेयर बाजार के अंदर में जो भी बुल मार्केट और बेयर मार्केट होते थे, उसमें बुल मार्केट छोटे होते थे और बेयर मार्केट बड़े होते थे। 2003 के बाद में ड्रामेटिक चेंज हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ बुल मार्केट के अंदर में, और पहली बार मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा, जो इतिहास पढ़ा है, कि बुल मार्केट चला 5 साल, 2003 से लेकर 2007 तक या 8 तक, जो भी 8 मार्च या जो भी चला होगा, वो लंबा बुल मार्केट चला, और इतनी बड़ी क्राइसिस आई कि लीमन ब्रदर्स की जो क्राइसिस है वो हिस्ट्री में लिखी जाएगी, गोल्डन वर्ड्स के अंदर में। इतनी बड़ी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आई, 9 महीने के अंदर में बेयर मार्केट खत्म हो गया, माने टॉप जो बॉटम बना और वहां से जो मार्केट रिवाइव हुआ वो 9 महीने में हो गया उसके। उसके बाद में भी आप ये समझिए कि कोविड की आप सोचिए, कोविड से बड़ा क्या हो सकता है, सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी थी, वो बेयर मार्केट 9 महीने के अंदर में खत्म हो गया। तो मेरे को ये समझ में आया है कि ये बुल मार्केट जो सीजन है, ये बुल मार्केट अभी लंबे होने लग गए हैं और बेयर मार्केट छोटा होने लग गया। ये बुल मार्केट भी आप देखिए 2009 से लेकर 2014 के अंदर में डेटा ये बताएगा कि ये बुल मार्केट नहीं है। 2000 लोग बोलते हैं 14 से चालू हुआ है, लेकिन आपको सबको मालूम होगा, आप या वापस जाकर अपना डेटा देखिए, 2008 से 14 के बीच में भी ऐसे ऐसे शेयर थे जो 20 गुना 30 गुना 50 गुना हुए हैं, जो कि टेक्निकल डेटा के हिसाब से उसको हम बुल मार्केट नहीं बोला जाता है, उसके अंदर में भी 50-50 गुना शेयर हुए हैं। तो कहने का मतलब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तो मेरे ख्याल से मेरे को ये लग रहा है कि जो इतनी बड़ी बड़ी क्राइसिस दुनिया ने देखी और 9 महीने के अंदर में बेयर मार्केट चेंज हो गया, इसलिए मेरे को ऐसे लगता है कि बुल मार्केट लंबे हो रहे हैं, बेयर मार्केट छोटे हो रहे हैं। ये जो मार्केट जो टॉप बनाया था, ये सितंबर के अंदर में टॉप बनाया था, सितंबर अक्टूबर टॉप बनाया ये मार्केट, लेकिन उसके बाद भी कुछ शेयर्स बढ़ते रहे, लेकिन मार्च तक, अप्रैल जून तक अगर आप देखेंगे, जो जैसे हम लोग बात किए अभी, कि कई मिड कैप है जो ऑलरेडी 50-60% मार्च तक डाउन हो चुके थे, मार्च 2022 तक डाउन हो गए, और अब जो बाजार गिर रहा है उनके साथ में थोड़ा थोड़ा वो उनके साथ में थोड़ा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसे पर्सनली मेरा व्यू है, ये हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि शायद ये बेयर मार्केट भी आगे पीछे 1.5 महीने में खत्म होना चाहिए, अंटिल नॉलेज मालूम नहीं, क्योंकि फिर हर चीज़ के अंदर में बोलना कॉन्फिडेंटली मुश्किल, मालूम नहीं कभी, ये रिसेशन की बात करते हैं, स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं, सब नया नया स्टेशन आते हैं, नई नई बातें होती है यहाँ पे, तो ये सब तो यहाँ का ये सब तो चलता रहेगा मेरे ख्याल से, उसमें मैं तो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं मेरे सारे स्ट्रक्चर शेयर्स के इसी तरीके से हैं कि बेयर मार्केट्स आर शॉर्टर एंड बुल मार्केट्स आर बिकमिंग लॉन्गर। हियर माइक प्लीज डॉक्टर कार्तिक भाई। मेरा एक गाना भी है, कभी DI कभी FI, इन्फ्लेशन कभी तेल, कभी डॉलर कभी बारिश, इन सबका है ये खेल यार, शॉर्ट टर्म के हैं कई नाम यहाँ, जरा हटके जरा बच के ट्रेडिंग में मेरी जान, ऐ दिल है सिंपल कमाना यहाँ, यदि लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म ओनली लॉन्ग टर्म मेरी जान। क्या बात है, क्या बात। गुड इवनिंग सर, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में आप एक्स्ट्रा लार्ज अपॉर्चुनिटी देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग
नहीं कॉटन सर मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल है, कॉटन टेक्सटाइल का क्या ना इनका आज तक खेला समझ में नहीं आया, मालूम नहीं 20-30 साल में तो कुछ किए नहीं है और ये भी कभी कॉटन मार देते हैं। एक चीज़ मैंने समझी है सर, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं ना, जिस भी सेक्टर के अंदर में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हो, ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हो, उसके अंदर में हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हो, जिसके अंदर में जैसे कॉटन टेक्सटाइल का समझिए या समझिए अपने मेटल के सेक्टर हैं, अब स्टील में कभी कभी आयरन और मार देता है, कभी कोकिंग कोल मार देता है, कभी चाइना मार देता है, कभी ब्राज़ील मार देता है, कभी कौन इनको आकर कोई भी आएगा इनको टक्कर मार देता है, वैसे ही एक कॉटन टेक्सटाइल कभी है सर मालूम नहीं, कभी यूरोप का कोटा, कभी वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, कभी कॉटन प्राइस अभी ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, तो मेरे लिए इनको बोलना मुश्किल है सर। मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया था छोटा अंबिका कॉटन, अगर शायद आप उसके लिए बोले अगर बोल रहे होंगे तो वो लेने के बाद में मेरे को बहुत बढ़िया रिटर्न दिया सर, 40-50% नीचे है मेरे लिए हुए भाव से, तो इस बोलकर अभी मैं उसको हाँ सो पैसा इतना गवाया, मज़ा आ गया, अभी वो मज़ा ले रहा हूँ सर उसका मैं। तो इन नेशनल में मेरे को इसकी आइडिया नहीं है कॉटन टेक्सटाइल, जिसमें ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हो नहीं करने का सर, सिंपल सिंपल थ्योरी बहुत मिलती है शेयर बाजार के अंदर। गुड इवनिंग सर, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, आपका बिगेस्ट मिस्टेक यानी कंपनी वाइज नहीं इन्वेस्टिंग मिस्टेक, आप जो एवरी टाइम ध्यान रखते हो कि ये मेरे से मिस्टेक नहीं होना चाहिए ये कंपनी सिलेक्शन करने में, वो क्या है? और दूसरी चीज़ कि आप जैसे कितना स्टॉप लॉस लगाते हो, जैसे मेरा इतना लॉस हो गया, भले कंपनी बहुत अच्छी हो लेकिन ये इतना अभी मैं निकाल लूँ यहाँ से और दूसरी कंपनी में लगा दूँ, कहाँ तक आप एडमिट कर सकते हो, 15-20-50-40% कहाँ तक? देखिए सर, मैं ऐसा मानता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट में कभी भी मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ इन्वेस्टमेंट के अंदर में, मैं क्योंकि हो सकता है शायद मेरी क्वांटिटी ज़्यादा हो, इसके लिए मेरे ख्याल से जो स्टॉप लॉस की जो थ्योरी है वो ट्रेडिंग में होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट में नहीं होनी चाहिए। कई लोग हैं, कई मेरे मित्र हैं जो फंड मैनेज करते हैं, वो बोलते हैं जब 20% या 30% गिर जाता है मैं तो बेच देता हूँ, तो मैं तो बोलता हूँ जब तू बेचता है तब मैं लेने के लिए आ जाता हूँ मैं। तो सर इन्वेस्टमेंट में किस तरह से आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, मेरे को ये गणित समझ में नहीं आता है मेरे को, तो ट्रेडिंग के अंदर में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये पहला बात। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया आपका, आपका ये जैसे इन्वेस्टिंग मिस्टेक है, इन्वेस्टिंग मिस्टेक जैसा मिस्टेक कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं आप, तो आपका जो पहले कोई मिस्टेक हुआ है, जैसे मिस्टेक हुआ है यस, क्यों आप रेक्टिफाई करते हो? इन्वेस्टिंग मिस्टेक तो होती रहती है यार, मिस्टेक से तो मतलब नहीं है, मिस्टेक वो होती है जिससे आप कुछ सीखते नहीं हो, क्योंकि पैसा तो देना ही पड़ता है यहाँ पे बराबर, तो मेरे ख्याल से मिस्टेक तो हम सीखते ही रहते हैं, अपने आप को रिफाइन करते ही रहते हैं, ठीक है। वो तो पहले जब मैं पैदा हुआ तो मैं अपने आप को राजेश खन्ना समझता था, फिर मैं अक्षय कुमार समझने लग गया, अभी मैं रणबीर सिंह समझने लगता हूँ अपने आप को, तो मैं अपने आप को ग्रूमिंग तो कर ही रहे हैं अपने लोग अपने आप को। तो मिस्टेक आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर आदमी डिफरेंट मिस्टेक करता है सर, आपको अपनी मिस्टेक खुद समझ में आनी, आपको लिखनी है, समझ में आनी चाहिए और खुद लिखनी चाहिए कि मैंने ये मिस्टेक की और आगे मैं इसको नहीं दोहराऊं, अगर इनका क्वेश्चन यही मैं जवाब दे पाए तो। यस यस परफेक्ट, वी कैन हैव वन लास्ट क्वेश्चन। एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए आपके हिसाब से आइडल असेट एलोकेशन किस परसेंटेज में होना चाहिए? समझा नहीं क्या मिड इन्वेस्टर के हिसाब से आपके हिसाब से क्या इन्वेस्टमेंट थियरी होनी चाहिए, राइट? क्या एसेट एलोकेशन सर, एसेट एलोकेशन का ऐसा सर, ये आपकी अपने खुद की रिस्क, देखिए सर मेरा एक कोट है, स्टॉक मार्केट में पैसे से पैसा नहीं कमाया जाता है, जो आदमी सोचते हैं ना स्टॉक मार्केट में पैसे से पैसा कमाया जाता है वो गलत बोलते हैं, पैसा तो जरूरत ही है, कैपिटल तो आपको चाहिएगा, बट योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। मैंने यहाँ पर लोगों को देखा कि 500,000 से लोग 500 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, और 500 करोड़ रुपया वालों को भी मैंने यहाँ पर फेल होते हुए देखा है, इसका मतलब पैसे से कभी कमाने की चेष्टा मत कीजिए। तो इसका कारण क्या है सर, कि आपकी मेंटल जो कैपेसिटी है, लोग अपनी खुद की मेंटल कैपेसिटी समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं जिम में जाकर 50 किलो का अगर कोई डंबल उठा रहा हूँ, आप मेरे को देखकर अगर 50 किलो का डंबल उठाएंगे तो हो सकता है शायद आपको वो सूट नहीं करे, आपको समझना है कि अभी मैं 15 किलो आज से शुरुआत करता हूँ और आस्ते आस्ते 15 किलो का 20 करूंगा, 20 का 25 करूंगा, फिर 150 किलो भी उठा सकता हूँ। आप लोग ऐसा नहीं करते, वो इमिटेट करते हैं,
लोगों को खाली कॉपी करना चाहते हैं कि उसने 5 लाख शेयर ले लिया तो मैं भी 5 लाख शेयर ले लेता हूं। तो वो 5 लाख शेयर लेंगे, वो पेनी स्टॉक वाला शेयर लेंगे, क्योंकि उनको क्वांटिटी चाहिए कि मेरे डीमैट में 5 लाख शेयर है एक कंपनी का मेरे। तो मतलब ये एसेट एलोकेशन आपको खुद को समझना है सर, कि आपका माइंड कहाँ तक वो वजन उठा सकता है। जहां तक आपको रात को नींद आ रही है, जब तक जाकर बीबी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बच्चों को थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, अगर घाटा हो रहा है तब तक आप सही लाइन में जा रहे हैं। लेकिन द मोमेंट अगर आपका वहां पर अपना माइंड चेंज हो गया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया शेयर्स लेने के बाद में, इसका मतलब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा शेयर्स ले चुके हैं। तो एसेट एलोकेशन का पूरा डायरेक्ट संबंध है आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी से। और शेयर बाजार में वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो पैसा आपको कम से कम 2-3 साल नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि मैं आज इन्वेस्ट करूं या पैसा मैं 3 महीने बाद ले लूंगा या 6 महीने बाद लूंगा, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको पैसा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ही रखने का है, जो आपको पैसा चाहिए नहीं ऐसा समझकर आपको इन्वेस्ट करने का है वो पैसा। तो अपने आप आपका एसेट एलोकेशन का उत्तर आपको मिल जाएगा कि इतना पैसा मेरे को 5 साल नहीं चाहिए, इतना पैसा मैं एसेट एलोकेट करता हूँ इक्विटी के लिए। ये उत्तर आपको वहां से मिलेगा सर। वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी हैव द नेक्स्ट रैपिड फायर राउंड। हेलो सर, मेरा नाम दर्शन है। जब भी ये कोविड आया था तब मार्केट बहुत जल्दी से गिर गया था, फिर तुरंत वी शेप रिकवरी भी देखने को मिली थी। ये दूसरी बार भी ऐसा हुआ, यूक्रेन क्राइसिस आया, मार्केट गिर गया और तुरंत ऊपर भी आ गया। स्टॉक के भाव भी गिर गए थे और स्टॉक के भाव जल्दी से ऊपर आ गए। पर इस बार मार्केट कैसा रहा है, निफ्टी इतना नहीं गिर रहा है पर स्टॉक के प्राइस आप देख रहे हो तो 50-60% सारे स्टॉक में से निकल गए। मार्केट जल्दी से ऊपर तो आ जाएगा, निफ्टी नया हाई भी बना देगा, क्या स्टॉक के प्राइस फिर से ऊपर आ सकेंगे इतने जल्दी? देखिए सर, ऐसा है, पहला बात तो आप ये समझ लीजिए कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो निफ्टी जो है ये डिसेप्टिव है। ये आपको निफ्टी आपको सही शेयर बाजार का सही इंडिकेशन नहीं देता है। निफ्टी है जिसमें 50 शेयर्स हैं और सेंसेक्स है उसके अंदर में खाली 30 शेयर्स हैं, वो आपको और आप उनमें काम ही नहीं करते हैं। तो आप उनको देखकर अपने पोर्टफोलियो के कैसे जज कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो गलत है या सही है? जो आप निफ्टी की बात कर रहे हैं कि जो निफ्टी पहले वी शेप विक्ट्री आई थी, अगर आप ये देखेंगे कि नीचे से इंडेक्स हुआ डबल, लेकिन मिड कैप में शेयर जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला वो 5 टाइम्स हुए, 10 टाइम्स हुए, 20 गुना हुए, तो उसने भी वहां पर भी निफ्टी को उन्होंने आउट परफॉर्म किया। इंडिविजुअल शेयर्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जब अब ये बाजार गिरा है तो ये निफ्टी कम गिरा है, लेकिन वही शेयर जो 5 गुना 7 गुना हुए थे वो 50%, 70%, 60% गिर चुके हैं ऑलरेडी, मैक्सिमम शेयर ऐसे हैं। तो इनका कभी भी आपस के अंदर में कोरिलेशन नहीं है। तो कभी भी निफ्टी को अपने मिड कैप के इन्वेस्टमेंट से या अपने इन्वेस्टमेंट से आपको तुलना नहीं करना चाहिए। निफ्टी की एक चाल अलग है, जैसे आप पिक्चर देख रही है कैटरीना कैप की, बोले बहुत सुंदर, पर अल्टीमेटली तो भाभी जो घर पे है उसी से आपको काम लेने का है सर। तो आप काइंडली उसको देख कर घर में आकर फिर आप डांस मत कीजिए कि हाँ काला चश्मा चढ़ गया, अरे वो कर वो नहीं कर। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, वो ग्लैमरस है और ये हकीकत है। So, Vijay bhai will have a rapid fire round. Bas last bhi rapid fire round. One line answer. Yeah, one line answer. Describe yourself in a word. Describe yourself in a word. Mere ko, main apne aap ko. Hindi mein bole to yodha, fighter. Lovely. Are you a early morning or a late night person? लेट नाइट, लेकिन सोता हूँ 12 बजे, उठ जाता हूँ 7:30 बजे, अभी उसको क्यों बोले। व्हाट इज द पर्सनल स्माइल फॉर्मूला ऑफ विजय केडिया? पर्सनल स्माइल फॉर्मूला, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यू आर ड्राइविंग अ कार? और मैं सच में इस पर विश्वास करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, बचपन से ये गाना गाता हूँ। आपने जो बोला ना 4 दिन बाद, वो 4 दिन की अपने को जो कोविड का तकलीफ हुआ उसके बाद में यही सोच के बैठ गया कि जो मिला है वही अपना मुकद्दर, उसी के लायक अपने हैं। जो ईश्वर ने दिया बहुत ज्यादा दिया, सॉरी दिया भी बहुत ज्यादा है ना सभी को, अपनी जो जरूरत है उससे तो ईश्वर ने अपने लोगों को सबको ज्यादा दिया, जो भी यहाँ पर बैठे, जो जरूरत है उससे तो ज्यादा दिया ये। यू आर ड्राइविंग अ कार एंड बिसाइड्स यू इज दीपिका पादुकोण, व्हिच सॉन्ग यू विल सिंग? गाना कौन गाएगा? कमाल है यार, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग आता है मोहब्बत की उसमें भी घाटा।
Okay. You're at present vibes at this conference. At present? Vibes at this conference. Vibes, your, vibe. आपके अभी के vibes क्या है conference के? Wife की vibes. Vibes. क्या चीज़ की vibes? ये conference vibes, के. Vibes. Conference के लिए vibes क्या है? अरे वो तो मैंने पहले बोला तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद दूर. तो मैंने पहले ही बोला मैंने. What is your favorite? Tea, coffee or wine? सुबह टी शाम का वाइन. आर यू फाइन? लेकिन यहाँ पर सॉरी सर माफ करना प्रभु सर थोड़ा लिबर्टी ले रहा हूँ सर. मैडम सॉरी. थ्री थिंग्स दैट नो वन नोज अबाउट यू. थ्री थिंग्स? थ्री थिंग्स नोबडी नोज. थ्री थिंग्स. अच्छा नहीं, एक तो ये कि लोग ऐसा सोचते हैं मैं स्माइल करता हूँ मेरे को गुस्सा बहुत आता है. या वो सच्ची बात है, मेरे को गुस्सा आता है तो बहुत आता है, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ. नाना पाटेकर बोलते हैं कंट्रोल कंट्रोल, तो मैं भी ऐसे करने लगता हूँ कंट्रोल. मेरे को गुस्सा बहुत आता है. और दूसरा जैसे क्या, मैं झड़ालू बहुत हूँ मैं. अभी तो शरीफ हो गया, तो जैसे मैंने आपको बोला ना योद्धा, जैसे मैंने आपको बोला अपने वो बोलना है तो उन्होंने फाइटर, मैं छोड़ूंगा नहीं, रिवेंज फुल हूँ. लेकिन अब स्वीट रिवेंज वाला, अभी जीत के छोड़ दो, तो मैं रिवेंज फुल हूँ बाई नेचर. लेकिन अभी मन में ऐसा हो गया कि यार रिवेंज लिया, लेकिन रिवेंज का मौका आया तो छोड़ दिया उसको. तो ये एक नेचर है. और तीसरा तो ध्यान नहीं आता अभी, वो अभी बता नहीं सकता हूँ, बाद में बताऊंगा आपको मैं. राइट नाउ अकॉर्डिंग टू यू व्हिच इज एन इलाइट प्लेटफॉर्म फॉर पीएमएस इन्वेस्टर्स? व्हिच इज दैट इलाइट? इलाइट प्लेटफॉर्म, एलीट प्लेटफॉर्म फॉर पीएमएस इन्वेस्टर्स. और पीएमएस इन्वेस्टर, अरे जिसका नमक खाया वही मेहता. और प्रतीक भाई ने बोला पूछने का जरूरत ही नहीं है दोस्त. थैंक यू सर, यू मेड अस हैप्पी. ये हैवी बेस्ट है, बताओ इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतना सब आप करते हो सर, चारों तरफ नाम है आपका, बहुत बढ़िया. थैंक यू विजय भाई सो मच. क्लोज योर आईज, आई विल टेल यू टू नेम्स. टेल मी होम डिड यू पिक्चराइज, राधा कृष्ण दमानी और माधुरी दीक्षित? एवरीबडी नोज द आंसर. लेकिन मैं ऑफकोर्स माधुरी दीक्षित, लेकिन वो बीमार लग रही है, उसके बाजू में कोई डॉक्टर बैठा है, वो कौन है यार? नेने, डॉक्टर नेने. That was expected answer, sir. What is your all-time blessing mantra for us and all? Vijayi Bhava. Thank you so much. Thank you, Vijay bhai, so much for such a wonderful answers. एक चार लाइन पढ़कर सुना देता हूँ, प्लीज. टाइम नहीं है, मैं एक बात खाली आपको लास्ट बोलना चाहता हूँ जो लिख के लाया हूँ. और ये मैंने एक कविता बनाई थी एक डेढ़ महीना पहले, वो मैं खाली आपको बोलना चाह रहा हूँ. जैसे अक्सर लोग पूछते हैं बुल मार्केट है कि बेयर मार्केट है, कौन सा मार्केट है, तो उस पर मैंने एक कविता बनाई कि हमको शेयर बाजार को पूछते हैं कि भैया तुम कौन सा मार्केट हो, हमको कभी समझ में नहीं आता. सर बोल रहे थे बुल मार्केट बेयर मार्केट. 2 मिनट सिर्फ रुक जाइए, 2 मिनट. तो शेयर बाजार ने क्या बोला, शेयर बाजार क्या बोलता है हम लोगों को, वो आप सुनिए. मार्केट टेल्स अस, जिसने जहां पे पाया खुद को उसने वैसा नाम दिया, मिला वही फल तुम्हें हमेशा जैसा तुमने काम किया. टीसीएस और टाटा मोटर नए आयाम बनाते हैं, पेटीएम और टीटीएमएल काम तमाम कर जाते हैं. ये उस समय लिखा था जब टीसीएस और टाटा मोटर ऑल टाइम हाई थे और पेटीएम और नाइका वगैरह सब 30-40-50% गिर गए थे सब, उस समय लिखा गया था. अब अदरवाइज ये शेयर से कोई रेफरेंस या मतलब नहीं है. नाम बदलकर, थीम बदलकर, भेष बदलकर आते हो, मैं तो वहीं टिका रहता हूं, तुम गायब हो जाते हो. शेयर बाजार बोलता अपने लोगों को ये बात. प्लेटफॉर्म के नाम पे तुमने लाया कैसा है भूचाल, कुछ लोगों की जेब भरी और लाखों लोग हुए कंगाल. सीख नहीं पाते गलती से, दोहराते हो वही हर बार, अपने ही तुम पागलपन में खुद का करते रोज शिकार. अब कुछ भी करने से पहले सीखो समझो भली प्रकार, खेल नहीं हूं जुआ नहीं हूं, समझो मुझको एक व्यापार. थैंक यू विजय भाई. आज से ठीक 10 साल पहले पूरी दुनिया हिल गई, और खास तौर से दुनिया भर के बाजार, इकोनॉमीज, और वजह
अमेरिका से एक ऐसे संकट की शुरुआत ही जिसे किसी ने सोचा भी न था, जहां लेमन ब्रदर्स जैसी एक बड़ी संस्था धराशायी हो गई और उसने जो मंदी की शुरुआत की वो मंदी ऐतिहासिक मंदी मानी गई। पूरे विश्व में दूसरी बार ऐसा हुआ 1929-30 के बाद की इतनी बड़ी मंदी आई हो, जहां हिंदुस्तान के बाजार भी 60% गिर गए और कई सारे बाजार दुनिया भर में ऐसे थे जो आधे रह गए। और अब ठीक 10 साल बाद आप देखिए क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में शानदार तेजी, निफ्टी वहां से 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है, सेंसेक्स 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है और सारे के सारे दुनिया भर के बाजार लाइफ टाइम हाई पर है, 4-4, 5-5, 6-6 गुना बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उस संकट में काफी लोगों ने पैसे तोड़े, नुकसान किया और जाहिर सी बात है जब उन्होंने बेचे तो किसी ने तो खरीदे होंगे और उन लोगों ने दमदार पैसा भी बनाया। तो लीमन संकट से लाइफ हाई तक, ये है हमारी खास सीरीज और इस खास सीरीज में हम बात करें ऐसे बड़े दिग्गजों से जिन्होंने ये और ऐसे कई सारे संकट दुनिया भर के बाजारों में और भारतीय बाजारों में देखे और उसका जमकर फायदा उठाया है। ऐसे ही एक बड़े दिग्गज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने एक बड़ी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग किताब लिखी है, द थॉटफुल इन्वेस्टर। जी हाँ, बसंत माहेश्वरी साहब हमारे साथ हैं। बसंत जी स्वागत है आपका। फ्लैशबैक में लेके जाऊं आपको, बताइए सर उन दिनों कैसा माहौल था और रात को नींद आती थी? उस समय तो लगता था लीमन के हम लोग सब लीमन के साथ खुद ही खत्म हो रहे हैं, तो रात को सोते सोते 1:30-2 बजती थी और सुबह 4-4:30 पे उठते थे और देखते थे निकी 400-600 पॉइंट नीचे है, फिर वेट करते थे कौन उठ गया होगा 5 बजे 5:30 बजे, फिर उसको फोन करते थे क्या लग रहा है, वो अपनी कहानी करता था। लेकिन ये सब संकट किताबों में पढ़ने में और न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में लगता है कि 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जब आप महीनों उसके अंदर रहते हो तो आपको लगता है कोई आपका गला दबा दिया है। बिकॉज हम लोग जैसे हैं पिछले 20-30 सालों से 100% इनटू इक्विटीज है, तो हमारे पास ना एफडी होता है ना कुछ होता है, सब शेयर में जा रहे हैं, हम लोग का तो जीना मरना यही है, तो बहुत डिफिकल्ट था और कभी सोचा ही नहीं था कि इतने आसानी से निकल जाएगी कहानी, बट ऐसे आते हैं और जाते हैं। लेकिन देखिए समझने की बात ये है अनिल जी कि फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने आगे 100 दिए किसी को, उसने आगे 100 दिए, उसने आगे 100 दिए, ऐसे करके 100-100 करके 6 कड़ियां बन गई, तो 100 रुपए के ऊपर 600 रुपए का डेट क्रिएट हो गया। छठा आदमी जब डिफॉल्ट करता है ना, वो तो 100 का डिफॉल्ट है और 600 का डिफॉल्ट हो जाता है। तो ये सब लोग बाजार में लड़ी बम चलाते हैं ना दिवाली के समय की, खटखट खटखट करके एक साथ जब बजती है, तो ऐसे ही वो लड़ी बम चलती है। और लीमन इसलिए गिर गया बिकॉज अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन सिस्टम भी नहीं समझा था कि इतना डीप हो जाएगा क्राइसिस। कुछ पॉलिटिक्स थी आपस में, कुछ